बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम क्यों सुर्खियां बना रही हैं इसमें आप सुप्रिया शिंदे जी। और देखिए हमेशा बीजेपी यही कहती है कि आप लोग परजीवी हैं, असल अगर किसी का वहां स्टेक है तो वो समाजवादी पार्टी है। आपका एक भी राज्यसभा सांसद एमएलसी तो है नहीं, दो विधायक और इस बार मिलाकर अब 6 सांसद। ऐसे में अगर इस लड़ाई का फायदा किसी को होगा भी तो एक बड़ा चंक समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, कांग्रेस को क्या मिलेगा? हाँ बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। फायदा इस देश के लोकतंत्र को होगा, फायदा इस देश की जनता को होगा, फायदा उत्तर प्रदेश के सम्मानित लोगों को होगा जहां से मैं आती हूँ। ऐसा है ना अंजना जी कि हम इधर उधर की बात क्यों करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही थोड़ी सिर्फ उटव्वल चल रहा है। सिर्फ उटव्वल तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, अगरतला, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर, हर जगह चल रहा है। लेकिन मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूँ, इसका मूल कारण है कि ये जो रंगी पुती एक छवि बनाई गई थी ना, और ये जो दंभ था कि एक अकेला सब पर भारी वही सबको जिता रहा है, वो छवि ध्वस्त हो गई, वो रंगा पुता रंग बेरंग हो गया। और असलियत ये है कि जो डरा धमका के बीजेपी के नेताओं को, उनके लोगों को, उनके मंत्रियों को रखा गया, आज उनका आक्रोश और गुस्सा फूट रहा है। ये जो दो लोगों की मनमर्जी चल रही थी, जिसको मन हुआ टिकट दिया, जिसका मन हुआ काट दिया, जिसको मन हुआ मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया, जिसका मन हुआ उसको आगे बढ़ाया, ये प्रक्रिया बीजेपी ने अपने आप से खत्म कर दी। इसको इम्प्लोजन कहते हैं अंग्रेजी की लैंग्वेज में। ये जो अंदर अंतरकलह जो चल रही है, जो द्वंद चल रहा है, ये उसका नतीजा है। अगर समय रहते अक्ल होगी तो जरूर अपने कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। हम थोड़ी है बीजेपी के कार्यकर्ता जो संडे को बीजेपी की बैठक हुई लखनऊ में, और मैं इत्तेफाक से उस दिन लखनऊ में थी, देख रही थी सब चैनल पर कवरेज, जब वहां पे आपके 40-40, 45-45 साल से जिन्होंने एड़ी रगड़ी कार्यकर्ता निकल कर कह रहे हैं कि भाई पार्टी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, 2-4 लोगों के हाथ में चली गई, तो वो हम थोड़ी है, वो तो आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। समय रहते अगर अकल आएगी तो जरूर सुनेंगे, अहंकार रहेगा तो जैसे अभी तक चलता आ रहा है वैसे करेंगे। लेकिन इसका मूल कारण जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं वो है एक या दो लोगों द्वारा पार्टी पर आधिपत्य जमा लेना, कब्जा कर लेना, और इससे गुट बन गए। हर राज्य में आज दो तरह के गुट है, एक गुट है जो बीजेपी की आलाकमान दिल्ली के निर्देशों पर चलता है, एक गुट है जो उन निर्देशों को की नहीं मानता है। उन्हीं दो गुटों के बीच में लड़ाई है हर राज्य में। उत्तर प्रदेश में भी यही है, मध्य प्रदेश में भी यही है, महाराष्ट्र में भी यही है, गुजरात में भी यही है, राजस्थान में भी यही है, त्रिपुरा में भी यही है, बिहार में भी यही है। और अभी मैं क्रमवार तरीके से अगर राज्यों की अंतरकलह नाम वर गिनवाना शुरू कर दूंगी तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ दो गुटों में, एक जो मोदी शाह के इशारे पर चलेगा, एक जो इशारे पर चलने को तैयार नहीं है, और वही द्वंद गहरा रहा है, वही द्वंद हो रहा है। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव ने परखच्चे उड़ा दिए उन लोगों के जो एक अकेला सब पर भारी वाली राजनीति कर रहे थे, धुरंधर हार गए। क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कौन है? और जहां तक आपके सवाल की बात है, हमें क्या मिलेगा, हम लोकतंत्र में लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों को मिलेगा, हमें भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी और हम अलायंस में, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन बढ़ेगा। मेरा अपना मानना है कि कठपुतलियों की तरह मुख्यमंत्री को बदल देने के आदि जो बीजेपी हो गई थी, वो राजनीति शायद बीजेपी के खुद के लोग समाप्त करने पर तुले हुए हैं इस समय। प्रेम जी, पहले सुश्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सिर्फ फुटबॉल है, बड़ा उसका विस्तृत कुछ ब्यौरा भी देना चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन मंथन के दौर को सिर्फ फुटबॉल जो है, बाल बुद्धि के लोग कह सकते हैं, उनका अधिकार है, बाल बुद्धि के लोगों को इस तरह की बातें करने का अभ्यास हुआ करता है। यहाँ कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है, सिर्फ फुटबॉल होती थी जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी का कार्यकाल था। उस कार्यकाल में जब मन करता था मुख्यमंत्री हटा दिया जाता था, मुख्यमंत्री ने ठीक से नमस्कार नहीं किया, अंजैया जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। किसी ने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री जो है ये कूद पड़ रहा, इसको बाबा साहब भोसले मारे महाराष्ट्र में थे, उनको कांग्रेस के विधायक मारने के लिए आए, वो कूद कर भाग गए थे बाबा साहब भोसले, ये दृश्य और दौर देखा, इसको सिर्फ फुटबॉल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। जी अंजना जी, कुछ पूछना चाह रही थी? नहीं, पूछना नहीं चाह रही थी, मैं टिप्पणी कर रही थी कि चूंकि आप उनके नेता का नाम लिए बगैर आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, फिर उनकी तरफ से आपके नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा, फिर आप दोनों की इस खिचड़ी में और लड़ाई में मैं फंसूंगी, हमारे दर्शक फंसेंगे। भाषा नहीं किया, कौन सी अपमानजनक भाषा क्या है? आपको भी पता है कि बालक बुद्धि बोलने पर उस तरफ से भी हमला आएगा। ऐसे में मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ, मुझे भी पता है कि आपने किसी नेता का नाम नहीं लिया है, हवा में तीर छोड़ा है कि जाके लगे। अच्छा, मैं दोनों तरफ से शुरू कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, उनको कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, दोनों तरफ से फिर अब कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, ठीक है, मैं आपके इस आप मैं कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ।
मैं कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रिया जी, वो आपकी पार्टी के अंदर की लड़ाई की कहानी सुना रहे थे, यहाँ पर तो पार्टी संगठन को लेकर एक बयान के बाद इतना तूफान आया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं आपकी पार्टी के ही नेताओं में आपस में जूतम पैजार की स्थिति है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यही दंभ और यही अहंकार बीजेपी का चलता रहे। जनता ने आईना दिखाने का काम किया है, 63 सीटें कम हो गई हैं, एक आदमी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद भी इतना दंभ है, यही दंभ बरकरार रहे, बहुत जल्दी विपक्ष में बैठेंगे। मैं थोड़ी बात, क्योंकि यूपी से आती हूँ, थोड़ी बहुत वहां की राजनीति समझती हूँ, बोल देती हूँ। संजय निषाद जी ने कहा बुलडोजर चलाते रहेंगे, कहां से जीतेंगे। ओपी राजभर जी ने कहा इस हार के जिम्मेदार योगी और मोदी हैं। उसके बाद मोती सिंह जी, इनके बड़े नेता, कहा 42 साल में अपने राजनीतिक जीवन में इतना करप्शन नहीं देखा जो अब देख रहा हूं यूपी में। रमेश सिंह, इनके जौनपुर के विधायक, कहते हैं बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो जीत नहीं सकते। अनुप्रिया पटेल कह रही है मोदी जी को भी अब हार कर एनडीए बोलना पड़ रहा है, मोदी और बीजेपी नहीं करते हैं। इनके बस्ती के, इनके प्रयागराज के लोग जो कह रहे हैं वो सबको पता है, कह रहे हैं प्राइवेट लीजिंग कंपनी बता दिया। देवेंद्र प्रताप सिंह, इनके एमएलसी हैं, खुलकर आला कमान को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये यूपी की बात हो गई, अब आगे की बात कर देती हूँ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडा और एकनाथ शिंदे जी के बीच में क्या कितनी आफत मची हुई किसी को पता नहीं है। देवघर झारखंड में समीक्षा बैठक में वो लातम घुसा हुआ कि बैठक खत्म करनी पड़ गई। अगरतला में अपने ही पंचायत ऑफिस में इनको ताला लगाना पड़ गया, इतनी हाथापाई हो गई वहां पर। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीना जी इस्तीफा दे रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ जी अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वसुंधरा राजे जी लॉबिंग ऑलरेडी शुरू कर चुकी है, भजनलाल शर्मा जी को कोई पूछ नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में मामा जी का दिल्ली में मन नहीं लग रहा, उनका बेटा भोपाल में कहता है मेरे पिता सबसे बड़े नेता है, दिल्ली भी उनके आगे झुकता है। बिहार में अश्विनी चौबे, आपके बड़े नेता अभी तक मंत्री थे, कह रहे थे नीतीश कुमार अगर सीएम का फेस रहेंगे और सम्राट चौधरी अगर बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे तो हमारा गोते में जाना तय है, हम किसी कीमत पर नहीं जुट सकते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नाम पर कितनी सिरफुटावल मची है मुझे कहने की जरूरत नहीं। अनिल विज किसी भी दिन बगावत कर सकते हैं, पहले भी पार्टी का नाम हटा चुके हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो बड़ी लंबी फेरिस्त है, मैं उस फेरिस्त में नहीं जाना चाहती हूँ। ये बैल बुद्धि ही कोई होगा अगर इसको अनुशासनहीनता मान के चुप हो जाएगा, और क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया था तो जस को तस देना पड़ेगा। ये बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि होगी जो कहेगी कि ये अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर कुशाग्र बुद्धि होगी तो इसमें अवसर ढूंढेगी। आप यहाँ पर मुझे दो शब्द कहिएगा। मैं आपसे भी सुप्रिया जी निवेदन कर रही हूँ, मैंने उनको भी बोला था, मैं उनको भी बोला था, आपसे भी कह रही हूँ। आप दोनों के लिए एक मौका है कि आप बेहतर व्यवहार दिखाएं। उन्होंने कहा इसलिए उस स्तर पर गिरने के लिए आप बाध्य नहीं है। आप भी ये पहल कर सकती है कि आप अमर्यादित भाषा से बचे, और मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ। अच्छा नहीं, क्यों एक दूसरे के नेताओं की इस तरह से जगह साई करनी है? प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने उनको कहा था, आपको भी कहा। बहुत छोटी सी बात कह रही हूँ, मैंने अपने शुरुआती मतलब प्रधानमंत्री मोदी कहा, अगर मोदी जी कहा, आप तो मैंने तो कोई गलती बात नहीं करी। लेकिन अगर सामने से ऐसे कोई डिबेट नहीं हो सकता, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? उनके बीच में नहीं बोली, एक एक करके इनके बीच में बोली थी, एक एक करके मैं आपसे जवाब दे रही हूं। मैंने तत्काल संशोधित किया ना अंजना जी, आपने कहा और मैंने संशोधित कर दिया। बोली थी मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में, मोदी जी कहा, प्रधानमंत्री कहा, योगी जी कहा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अपने शुरुआती वक्तव्य के बाद अगर सामने वाला धृष्टता करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे अंदर भी यूपी की का खून है, और वो खून खोलता है अगर आपकी बदतमीजी। अरुण राजभर जी, और आपको दो बातें जरूर सुना जी। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि वाकई परिस्थिति जो है वो नियंत्रित हो जाएगी? क्या हुआ अरुण राजभर जी का, आपको लगता है कि आउटपुट चला गया है? सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की बनी है, और आप लोगों को जनता ने विपक्ष में ही बिठाया है। ऐसे में जो ये बार बार कहा जाता है बीजेपी हार गई, ये हार गए, दरअसल हारे तो आप लोग हैं। आप लोगों का मंथन आप लोगों को क्या बताता है? क्यों तीसरी बार आपको विपक्ष में ही जनता ने बिठाया? हमको हमारा मंथन बिठाता है कि ये जो संविधान है ना, इसके साथ जो भी खिलवाड़ की कोशिश करेगा उसको जनता नकेल कसने का मौका हमें जरूर देगी। ये 400 की बात करते थे, 240 नहीं पार हो पाए। ये 80 में से 80 की बात करते थे, यूपी में आधे से कम में रह गए। ये बात करते थे बड़ी बड़ी, इनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, वो बैसाखियां जो अब बवाल मचा रही हैं। ये हाजी हाजी कर रहे हैं, जी हाँ कर रहे हैं। अब इनको गठबंधन के नियम, गठबंधन का धर्म निभाने पड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस सरकार की उम्र और इसकी स्थिरता, अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। मेरा अपना मानना है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया हो, जिसके नाम पर, जिसकी फोटो पर, जिसकी होर्डिंग पर सिर्फ एक तस्वीर लगी हो,
मोदी की गारंटी, अगर वो 63 सीटें हारते हैं तो ये उनकी नैतिक हार है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ट्रेडिशन में ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता। कुछ मत करिए, एक चीज सीख लीजिए, मत हमारी बात करिए, ना हमारी बड़ाई करिए, ना हमसे ढंग से बात करिए। इस देश की संस्कृति, यहां की मर्यादा सीख लीजिए। ये देश बेटी से ज्यादा बहू की इज्जत करता है, और हर बार जब आप सोनिया जी को अपशब्द कहते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, आप इस देश की संस्कृति की, हमारी मान्यताओं की, हमारे धर्म की आप निरंतर हत्या करते हैं। इस देश में जब औरत कोई आदमी की सिंदूर लगाती है तो वो उसकी अर्थी उठती है उस घर से। आप बार बार सोनिया जी की जब अवहेलना करते हैं, आप अधर्मी और कटाक्ष जब करते हैं, आप निहायत ही घटिया राजनीति करते हैं। ऐसी राजनीति करते रहिए, 13 में से 2 सीटें मिली है उपचुनावों में, अभी 10 में से 10 में डिब्बा गोल होने वाला है, बस देखते जाइए। 10 में से 10 उपचुनावों में उत्तर प्रदेश के डिब्बा गोल होगा, और 13 में से 2 सीटें आप जीत पाए, 11 पर आपको जनता ने नकारा है। ये जनता की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। यहाँ पर बैठकर मुझे अपशब्द कहकर, यहाँ पर बैठकर मुझसे बदतमीजी कर आप चुनाव नहीं जीतेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह कैसे रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मेथो तेरा मन पर आ